सलमान खान के घर के उत्ते फायरिंग मामले के पुलिस ने दो मुलजमान गिरफ्तार कर लिया था। वड्डी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। दस दिए कि अज सवेरे सवेरे 5 बजे के करीब तड़के दसिया जा रहा है कि सलमान खान के घर के उत्ते फायरिंग की गई थी। हालांकि हमलावर जो सी एक बाइक के उत्ते सवार होकर आते हैं तो गोलियां चला के मौके तो फरार हो जाते हैं। हालांकि इस तो बाद तुरंत मुंबई पुलिस और ATS की टीम मौके पर पहुँचती है। फोरेंसिक टीम पहुँचती ने पूरे मामले की जाँच की जाती है। पुलिस के वलों आले दुआले लगे CCTV फुटेज जदों खंगाले जाते हैं तो उस दे विच दो हमलावर गोलियां चला के फरार होंदे नज़र आते हैं। तो पुलिस ने हुण दो अणपछाते व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले के पुलिस के वलों लगातार जांच की जा रही है तो वड्डी कामयाबी इस दे विच कहा जा सकता है, क्योंकि सलमान खान लगातार जानों मारन दियां कई बार धमकियां भी मिल चुकिया ने। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वलों शरेआम धमकी दी गई थी जानों मारन की, तो उस तो बाद लगातार सलमान खान की जो सिक्योरिटी सी वह वधाई गई सी। बावजूद इस दे अज सवेरे 5 बजे सलमान खान के घर के उत्ते फायरिंग हुंदी है ते लगातार पुलिस के वलों इस मामले के जांच शुरू की जाती है। तो हुण दो मुलजमान इस दे विच गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस के वलों वड्डा बयान भी इसनों लैके जारी किया गया, जिस दे विच पुष्टि की गई है कि दो मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही सी जानों मारन दियां ते अज उन्होंने घर के उत्ते फायरिंग हुई सी। तो दस दिए कि सवेरे करीब 5 बजे का समा सी जदों उन्होंने घर पर फायरिंग हुई। हालांकि उस तो बाद CCTV फुटेज भी सामने आती है, जिस दे विच एक बाइक के उत्ते सवार होकर आए दोवे हमलावरों को साफ देखा जा सकता। मूँह उन्होंने ढके हुए होंगे ने ते 6 के करीब राउंड किया जा रहा है कि गोलियां चलाईया जांदियां ने। तस्वीर भी हमलावरों दियां सामने आईया सी ते हुण पुलिस दे वल्लों उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। तो सलमान खान फायरिंग मामले दे विच किया जा सकता है कि पुलिस दे हत्थ वड्डी कामयाबी लगी है। दो मुलजमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दो हमारे पास अननोन एक्यूज्ड हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? अब तक मामला दर्ज हो रहा है। कौन सा वेपन था उसके? हाँ, कुछ पता चल पाया क्या वेपन किस तरह का इस्तेमाल किया था? ये हम अभी नहीं कह सकते, जब तक हमें आरोपी नहीं मिलता है हम नहीं कह सकते। सर, वो बाइक से भागे हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका एक ट्रेस मिला होगा कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, या वो किसके नाम से बाइक रजिस्टर होगी, ये कुछ हमने अब तक नहीं। ऑब्वियसली बाइक मिला है तो उसके हिसाब से हमारा फॉलोअप चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन। कुल कितनी टीम बनाई गई सर इस मामले को देखते हुए? इसमें आप कह सकते हैं हमारे कम से कम अलग अलग 15-20 टीम्स बनी हैं और सभी इस पे काम कर रहे हैं और हर एंगल से हम देख रहे हैं, हर एरिया के उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। क्या कोई संदिग्ध कुछ चीज़ पुलिस को हम मिली है, जैसे कि लेटर या कुछ अभी तक सामने आया जिस तरह से चर्चा भी? ऐसा अभी लेटर वगैरह जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक जब्त है? नहीं, अभी तक नहीं मिली। थैंक यू। पता चलता है किसके नाम से रजिस्टर होगी या कुछ? नहीं, अभी तक नहीं मिल पाया है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह हम नहीं बता सकते। CCTV सर जो होता है हमेशा काफी काम करता है, तो ऐसे समय उनका कहाँ से किस और गए, कहाँ पे जाकर उनका आखिरी लोकेशन है? नहीं जी, डेफिनेटली वो बांद्रा में ऑफकोर्स हुआ है और उसके बाद बांद्रा के ट्रेल्स हैं, उसके बेसिस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जब हमें मिल जाएंगे तभी हम आपको डेफिनेट मतलब निश्चित बता सकते हैं कि कौन थे। सर, इस मामले में अब तक कितने लोग का बयान दर्ज किया है आप लोग ने? अभी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में जो जो हमें लिंक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो बयान कितने दर्ज हुए, पूछताछ बेसिकली पूछताछ चल रही है सब जगह पे। कितने लोग से पूछताछ हुई सर, कुछ आंकड़ा बता पाएंगे संख्या अब तक कितने लोग, क्योंकि फायरिंग हुई है सलमान खान के घर के बाहर तो कितने लोग से तक? अब जैसे हमारी टीम्स है 15-20 टीम्स हमारी लगी हुई है, हर एंगल से कर रहे हैं। तो जहाँ पे जैसे उसके हिसाब से कोई लिंक है क्लू है तो पूछताछ।